मुरादाबाद के थाना कटगढ़ क्षेत्र पीतल नगरी नंद कॉलोनी में रहने वाले रमेश कुमार सिंह के घर पर चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर 12 लाख रुपए के सोने चांदी व घर में रखे बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कटगढ़ क्षेत्र की पीतल बस्ती चौकी के पास परिवर्तन स्कूल के निकट रहने वाले रमेश कुमार सिंह अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए अस्पताल गए थे। वे रात भर वहीं रुके रहे और वे जब घर वापस लौटे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके घर के दरवाजे और खिड़कियां टूटे हैं और घर में रखा सोना चांदी व बर्तन पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। रमेश ने तुरंत ही 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर का मुआयना किया। रमेश का कहना था कि वे एक दिन पूर्व खाना खाकर रात को अपनी बेटी को लेकर अस्पताल गए थे और वे रात भर वहीं रुके रहे। सुबह घर लौटने पर उसने देखा कि उनके घर की खिड़की दरवाजे टूटे हैं और उसमें रखा लाखों रुपए का सामान भी चोरी कर ले गए। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने बच्चों की गुल्लक को भी नहीं छोड़ा और उसमें रखे कुछ पैसे भी वे निकाल कर ले गए। क्या नाम है भैया आपका? रमेश कुमार। कौन सी जगह आई हो? नंद कॉलोनी पीतल नगरी। आज क्या मामला हुआ यहाँ पर? जैसे कि हमारा बच्चा बीमार था, दो दिन से बी के गुजार चोरी हुई। दो दिन एडमिट है, बल्कि हमारी बीमार है। उसके बाद मैं रात को खाना वाना खाना आया था, खाना वाना खिला खाओ के 11 बजे करीब घर के दरवाजे का तारो लगा कर मैं अस्पताल चला गया था। उसके बाद सुबह को आकर देखा, वहाँ से वापसी में 6-7 बजे के बीच में तो विंडो काट के अंदर बढ़े और कमरे का ताला वाला तोड़ा, उसके अंदर जो सामान वामान रखा था, कैश रखा था, वो सब संदूक में से। ये कितने बजे की बात है? ये 1 बजे से 3-4 बजे के बीच की बीच है। आप लोग कब आए यहाँ? मैं सुबह मॉर्निंग में आया था 6 बजे करीब। क्या घर पे कोई था नहीं? घर पे कोई ताला हुआ था, सब अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल में कौन भर्ती था? बेटी भर्ती थी। क्या हो गया बेटी को? वो पानी कम है कि लैट्रीन दस्त हो गए तो डी के उजाते हैं, अस्पताल में भर्ती है। क्या क्या सामान आपका चोरी हुआ? 6 तोले सोना था, चीज़ें थी और 1 किलो चांदी का सामान था और 2 किलो कैश था और बर्तन थे, 8-10 किलो पीते के बर्तन थे। सुबह कितने बजे घर पर आए थे आप? सुबह 6 से 7 के बीच में, 6 बजे का आ गया था मैं साल से ताला खुला था। जब आप घर पर आए तो आपने ताला खुला देखा, कहाँ से चोरी हुई? ये यहाँ से सुना विंडो कटी हुई है, वहाँ से बढ़े मैन गेट से नहीं बढ़े, विंडो काट कर ग्रिल काट कर तो अंदर बढ़े दाखिल हुआ। टोटल कितना सामान आपका होगा? टोटल बैठेगा 12 लाख के आसपास। क्या आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को 112 नंबर पर डायल सूचना दी, आपका मुआयना भी करा पुलिस। पीतल नगरी चौकी पे गए, थाना में गए आप? थाने भी गए थे, चौकी पे गए थे, तहरीर लिखवा ली उन्होंने। कितने लिखवाई तहरीर? 2-3-4। क्या पुलिस यहाँ पर आई? पुलिस आकर मुआयना करके ले गई। क्या कहा पुलिस ने, क्या आश्वासन दिया? तो उठाएंगे जिस जिस सकता उनका नाम दर्ज कराओ। मैंने कि ठीक है सर, पहले जुआ होता है पर वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। जुआ कहाँ पर ही सामने होता है, फ्रेंड वही गोदाम के सामने। तो इसकी सूचना पुलिस को है नहीं जुए की? है सूचना है उनके पास, वो यहाँ तो देख के चले जाते हैं तो पुलिस यहाँ पर उठाती नहीं है। पुलिस वाले जुआ खेलते हैं उनके, हम तो हमारे यहाँ दादागिरी चलती है और हम पैसे देकर उठाते हैं, हमारे गाली और घर पर चढ़ाई होकर तो उनसे कंप्लेंट करते हैं तो हमारे को बुलाते हैं। जब यहाँ जुआ होता है आपके घर के सामने, आपने पुलिस को अवगत कराया? अब तक करा हुआ था, कई बार आई है पुलिस तो। अब 3 दिन पहले उठा के ले गए, 3 दिन पहले अभी उठा के ले गए, परसों यहाँ से फिर 3-4 बार लोग उठा के ले गए। जिनको उठा के ले गए क्या उनको बंद करा? उनमें से ही है और भी 2-4 उनके साथ मंगे, और कोई नहीं है, उनमें से ही है। क्या मांग करते हैं आप अपनी जी? क्या मांग करते हैं आप? सर जो मेरा सामान गया वो मेरा वापसी मिल जाए, जो मेरे नुकसान हुआ मेरा। लगभग कितने बजे की बात हुई? नाइट का 1 बजे से 3-4 बजे के बीच में है। जो 2-3 घंटे के बीच में। अच्छा पुलिस यहाँ कितने राउंड मारती है? आती है पुलिस? नहीं पुलिस नहीं आती, पुलिस यहाँ पर नहीं आती। हाँ तो 2-2 बजे तक सर खेलते हैं, जुआ होता है 2-2 बजे तक। अभी तो आप कहते परसों उठा के ले गए थे? हाँ दिन में उठा के ले गए थे, सूचना दी थी ना, सूचना दी है तो यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। यहाँ अक्सर आते हैं तो भाग जाए, पुलिस आपके अलावा कहीं आसपास में और भी चोरी हुई आसपास में? पड़ोस में भी चोरी हुई है, अभी 8-10 दिन हुए हैं। कितनी बार हुई है? 3-4 चोरी हुई, 3-4 चोरी इसी क्षेत्र में आपके? हाँ। इस क्षेत्र में चोरी हुई? कभी तक कोई पकड़ा गया? नहीं कोई सूचना, अभी कोई नहीं पकड़ा गया।